रिगरेट बहुत सारे होते हैं इंसान को जैसे मेरे पास भी पोट्री अगर मैं खोलूँ तो वो बहुत सारी उसमें से कहानियाँ निकलेंगी ऐसा रिग्रेट आप शेयर करना चाहें जिससे लोग सीख सकें आपके तजुर्बे से हाँ जैसे मैं जब छोटी थी ना तो मैं जाती थी जब क्लिफ्टन में बाहर स्टॉल्स लगते थे झूले झूलते थे हम लोग ना तो वो बाहर जब झूले ऊले झूल के अम्मी हमें लेकर आती थी वहाँ पे स्टॉल्स होते थे उसमें सी का जहाज़ बना हुआ होता था शिप है ना इस तरह की बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चेन में नेकलसेज़ बॉल ऐसे कहानियाँ तो मैं क्या करती थी सब रश बहुत होता था और इतनी भीड़ होती थी मैं फिलहाल से भी छोटी थी तो मुझे औरतों के बीच में से ऐसे भीड़ के अंदर से घुस के ना मुझे जगह मिल जाती थी अब अम्मी भी जाती जो चीज़ हमारे लिए पसंद करती थी कोई भी ऐसा टॉय चाबी वाला जहाज़ जो उड़ता है कुछ कहानी ऐसी तो वो ना अम्मी उसका बिल कराने के लिए कोई लाइन इतनी होती थी कि बहुत टाइम लगता था फिर हमें वापसी जाने के लिए वो टैक्सी लेके जब हम अपने तक घर जाते थे तो रात काफ़ी लेट हो जाए तो मैंने फिर ये शुरू कर दिया था वहाँ पर कि मैं वहाँ पे चोरियाँ करती थी अम्मी कहती थी ना जिद बच्चे कह रहे होते थे कि बड़ी बहन हम आठ भाई बहन है मैं सबसे छोटी हूँ तो वो होती थी जिद के बड़ी बहन को ये चाहिए वो कहती थी मुझे चेन चाहिए वो कहती थी मुझे टॉप्स चाहिए कुछ ये चाहिए वो चाहिए तो उस चक्कर में मैं फिर वो जो मुझे चाहिए होता था ना या किसी मेरी बहन को जो लाइन में ना लंबी लगे मैं चोरी करती थी अब आप थी। आपको अफसोस होता है कि हाँ तो वो एक का... दिन ना मैंने अम्मी को ना पोट्री दिखा दी कि अम्मी ये सारी चीज़ें ना मैं चोरी करके लाई आप लोग तो पैसे दे लाते हैं देखो मैं तो सॉरी चोरी करके ना अम्मी बहुत हंसी इतना हंसी इतना हंसी अम्मी ने कहा पास आओ मेरी गुड़िया मेरे पैसे बचाए गले लगाया सब कुछ किया फिर अम्मी ने इतनी ज़ोर का मुँह पे चपाट मारा ना मेरे और इतनी ज़ोर का था कि मुझे आज तक वो चमाट ऐसे ऐसे लगता है कि बस अभी भी कोई भी ऐसी हरकत कर दो तो वो लगता है कि अम्मी ने मारा है मुझे और वो अम्मी ने कहा कि पहले प्यार से बुलाया ताकि डरे ना भागू ना और मुझे ना भागना पड़े पीछे फिर थप्पड़ मार के अम्मी ने कहा कि अभी चलो अभी जाएंगे और वहाँ जाके सारी किन किन दुकानों से लिया था उनको वापस करो उनको सॉरी करो अम्मी ने सब से ना रो के माफ़ी मांगी मेरी तो जबान भी नहीं थी थप्पड़ एक ही मारा था, मगर ने ने रो के के सबसे माफी उसके पैसे पैसे भी 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 दिए और वो चीज चीज वापस कर दी, तो तो फिर घर घर आके ना कहा कि पैसों से लेते थे बेहतर होता, चीज़ भी घर नहीं आई तो चले गए। क्या क्या लोग सिंगल पेरेंट हो अगर कोई गिल्ट तो होता है कि भाई बच्चे, आराम से, बच्चे हाँ, तो रह अम्मी तो हाँ। तो जब चली गई तो अम्मी के बाद घर बनाया जिस घर का नाम बाहर लिखा है कौन सी बात अली को एक भरपूर जिंदगी आपने गुजारी लाइम लाइट में आप रही और आप बहुत शोक चंचल है हमेशा हमने आपको हंसते हुए देखा अब ये जो कॉमेडी के कुछ शोज थे हमें वाहिद खातून थी जो एक दो और भी है आयशा करती हैं और भी कुछ लोग हैं मगर आप बहुत अच्छा करती थी तो मगर कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा उदास कर देती है जैसे कहते ना कि जिसे याद करके या जो याद आ जाए हाफजे में आ जाए तो आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो ऐसी कोई चीज़ ऐसे जब बस माँ की ही यादें हैं मेरे से हाँ एक बड़ी मजे की बात मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई जैसे ये वाली अम्मी वाली फ़ीलिंग्स और ये सब कुछ उसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें मेरी मेमोरी फ्लैश हो गई है गायब हो गई है पता नहीं क्या हुआ है जैसे अब मैं किसी से अगर लड़ाई भी कर लेती हूँ तो दो दिन के बाद मुझे सामने कोई आता है तो मुझे वो लड़ाई भूल जाती है मैं वैसे ही सलाम दुआ करके बात कर रही होती हूँ और लोग मुझे याद करा रहे होते हैं कि हमारा झगड़ा हो चुका है हम तो बातचीत के भी मूड में नहीं है ज़िंदगी मौत ख़त्म हो गई थी तो मुझे वो झगड़ा याद ही नहीं रहता वो रीज़न भी नहीं रहता याद पता नहीं क्यों शायद मे बी बिकॉज क्यों आई कैसे आई ये तब्दीली अकेलेपन से भी आती है जब आप अकेले ही सब कुछ आप माँ भी हों आप बाप भी हों आप कमाने वाले भी हों घर चलाने वाले भी हों और आपको अपनी इज्जत को भी बचाना है और माशरे में खड़ा भी होना है और काम भी करना है और अपनी शराफत को अपने जिसम से लगा के रखना है और दिक्कत दिक्कत तो होती होती है है तय कितनी मुझे बहुत ज्यादा होती है मैं आपको बताऊँ मैं इतनी डरपोक मैं सोशल नहीं हूँ सोशलाइजिंग नहीं करती तो आई एम स्टिल द सेम और अभी तक मैं इतनी फटूँ कि अगर मुझे कोई भी नहीं मिलता तो मैं इसके दादा दादी को फ़ोन कर लेती हूँ मुझे कोई काम हो या कोई मसला हो तो मैं इसके दादा दादी से बात कर लेती हूँ कि चलो बुजुर्ग हैं आई शुड नो कॉल दै मैन आस्क मसला हो रहा है तो वट टू डू तो इतनी मैं फटूँ कोई खौफ रहता है में। हाँ खौफ मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा लग पता नहीं अब हँसीएगा नहीं वैसे लोग फिर इस बात पे भी आ जाते हैं ना लोग कमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं कि इसमें जो है ईमान की कमी है तकवा नहीं है ये नहीं है बिसाइड्स दैट ये सारी चीज़ें मेरे अंदर मुझे लगता है तो मैं आज फिजा हूँ मैंने बड़ा काम किया है मैं अभी तक कर रही हूँ मगर तो मुझे बहुत से डर लगता है क्योंकि हम लोग आठ भाई बहन थे ना तो अम्मी तो लेदर गारमेंट की फैक्ट्री थी हमारी पहले जब अच्छे हालात थे उतने अम्मी काम करती थी अम्मी की फैक्ट्री थी पाँच सौ चार सौ वर्कर्स थे अम्मी के पास जी फैक्ट्री को आग भी लग गई बड़े लॉसेज ने देखे उसके बाद तो मुश्किल होता है बहुत अच्छे दिन हो फिर मुश्किल वो वाले अच्छे दिन मैंने देखे नहीं मैंने सुने। नहीं। अच्छा। तो जब हम पैदा हुए तो तो आपने आप खोली तौर पे बहुत जब मैं जब पैदा हुई मैंने तब से जब होश संभाला अम्मी को स्ट्रगल ही करते देखा है काम करते हुए पैसा कमाते हुए किस मौके पे वालदा सबसे ज्यादा याद आती है मुझे अम्मी सबसे ज्यादा याद आती है अम्मी कहती थी रोगी तो मारूंगी अम्मी कहती थी, थी चोट लगी है कुछ भी है रोना नहीं है रोगी तो मैं मारूंगी आवाज़ आई ना रोने की तो मैं मारूंगी तो मैं रो ही कभी नहीं हूँ मुझे वो जो एक रोना है ना अम्मी के आगे इतना मैं मिस करती हूँ कि काश अभी मेरी अम्मी मेरे सामने खड़ी हूँ और मैं कुछ ना करूँ प्यार मोहब्बत भी बाद में पप्पी चुम्मी भी अम्मी को बाद में करूँ मुझे पहले रोना है अम्मी के गले लग के बहुत याद आती हैं कि बस मुझे अब वो जो मैं रो नहीं सकी ना वो जो बड़ास वो बहुत कुछ है जो मुझे अम्मी के सीने से लग के रो के तसली मिलेगी वो कंधा वो सीना नहीं मिलता मम्मी की छाती चाहिए लगना है फिर रोना है फिर मुझे लगता है मैं हल्की हो जाऊँगी ऐसे नहीं होती वो कभी नहीं हुआ हाँ क्योंकि मैं रो नहीं पाई ना इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पर इसकी वजह से रो नहीं पाई क्योंकि कमज़ोर हो जाएगी तो बहुत जगह कंट्रोल किया है स्टैंड लिया है कि नहीं आई हैव टू बी लाइक फ़राल जैसे फ़राल जीना चाहती है रहना चाहती है जैसे दिखना चाहती है लाइक like, इसको जो पसंद है मैं वो करती हूँ कोई ऐसी बात जो फिजा आप जिंदगी में किसी से अपनी वालदा से किसी दोस्त से कोलीग से किसी से भी कहना चाहती हूँ किसी झिझक की वजह से किसी और वजह से बाजार लोग रबते भी नहीं रहते जिंदगी में नहीं रहते कभी न कह पाई हूँ आप कहना चाहती हूँ तो आप है और कैमरा है आप कह सकते शोहरत बहुत बुरी चीज़ है आपसे आपके रिश्ते भी छीन लेती है और आजकल के दौर में क्योंकि सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा पीक पर है और ये सोशल मीडिया बहुत पीक पर है हर एक से जब मैं मिलती हूँ और अगर मुझे लगता है मुझे फलाल के लिए मिलना पड़ता है बहुत से ऐसे पेरेंट्स से या ऐसे लोगों से ताकि इसकी सोशलाइजिंग डिस्टर्ब ना हो क्योंकि ये मिलेगी जुलेगी लोगों से तो ये आगे तो बढ़ेगी और अवेयरनेस भी होगी तो मुझे जब मिलना पड़ता है तो मुझे दो तीन चीज़ें जो बहुत बॉदर करती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ को शूट करके अपलोड करना अपने अकाउंट्स पर या फिर फ़लाल को अगर कोई मिल रहा है तो इसकी वीडियोस बनाना और इससे इसको बस यही बोलना कि इधर खड़ी हो जाओ उधर से चल के इधर आ जाओ ये तो मैंने इसको बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि माँ के अलावा मा कोई तुम्हारी वीडियो नहीं बना सकता ना पिक्चर बना सकते जब जहाँ ही जाती जब चुपके चुपके होता है ये सब कुछ तो फिर मैं इसको मना कर देती हूँ आके बताती तो है तो ये जो चीज़ें हो गई हैं अब ये सारा कुछ बस लो मो टिकट और पिक्चर के हद हाँ तक रह गई अगर मैं कहीं जाती हूँ मुझे कोई खाने को तो नहीं पूछता मुझे इज़्ज़त से कोई बिठाता तो नहीं है अगर दो मिनट बिठा लेता है तो उसके बाद अपने ख़ानदान के साथ मुझे एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा सेल्फ़ी के लिए छोड़ देता है कोई मुझे यूँ नोचता है कोई मुझे यूँ नोचता है कोई कहता है ऐसे भी करें उधर भी हंसें इधर भी बोलें इधर भी करें तो क्या अब सारी चीज़ें बस सोशल मीडिया की रह गई हैं कि हमने बस लोगों के लिए ऐसे झूठी बत्तीसी निकालनी है और उनके साथ बस तस्वीर खिंचानी है जैसे हम उनकी पप्पी के बेटे हैं या पप्पी की बेटी हूँ तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं कि इंसानियत का रिश्ता जो पहले होता था हम मिलते थे सलाम दुआ एक दूसरे के हाल अवाल पूछते थे अब वो कुछ नहीं हमने कहीं जाना है तो बस हम ये सेल्फी और पिक्चर एक वीडियो प्लीज एक वीडियो ये ये बोल देंगे आप मेरे बच्चे के लिए ये बोल देंगे आप मेरी बच्ची के लिए बस यही रिश्ता है कोई ऐसा खाब फिजा जो जिंदगी में आप समझती हैं कि, कि कुछ चीज़ों का एक मखसूस वक्त होता है जो आप समझती हैं कि वक्त गुजर गया और वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता और उसकी एक हाँ मेरा ख्वाब एक शौक था मुझे बचपन में मुझसे टीचर जैसे अगर पूछते थे क्या बड़े की, क्या बनेंगे तो मैं गलती थी बड़े दुल्हन बनूंगी तो कहते तो लाए आज आप मामा को बोले जाके आपको मेकअप कर दे दुल्हन वाले कपड़े पहना दे दुल्हन बन जाएंगी दुलन मैं कहती थी नहीं मुझे बहुत सारे बेबीज चाहिए हाँ मैंने वो वाली दुल्हन बनना है इस तरह की बात मैं बोलती थी तो ये है कि फ़राल एक ही है और मुझे बहुत सारे बच्चों का शौक था और मुझे दुल्हन बनने का शौक था तो दुल्हन वो वाली बहुत बन गई जिसमें स्टिल शूट्स होते हैं डिजाइनर कपड़े होते हैं मगर वो दुल्हन वाला ख्वाब अब खत्म है मैं उस पर बात करना नहीं चाहता था लेकिन अगर कोई रिश्ता किसी वजह से खत्म हो जाए तो आदमी नया रिश्ता भी तो बना सकता है नए रिश्ते बनाने की मैंने कोशिशें की थी दो तीन مرتبہ बीच में मैंने सोचा कि ये लाइफ पार्टनर होगा तो अच्छा हो लोग बहुत बुरे होते हैं आपकी जिंदगी में आपको होल्ड करना चाहते हैं लोगों को आपका भी फिजाली और लोगों को फिजाली को में भी बंद करना है मतलब आप कबर तो नहीं बना सकते उसकी जिंदगी को मैंने अपनी जिंदगी में जो जो काम किया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया मैंने कोई गलत नहीं किया मैंने बहुत अच्छा पाक काम किया सही तरीके से साफ सुथरा दोबारा दुल्हन बनने से डर लगता है दुल्हन बनने से डर लगता है थोप्पड़ से नहीं लगता